छोटी सी शुरुआत की थी दीपावली पर कि शादी में दिन में शराब का उपयोग नहीं करेंगे, युवा वर्ग है वो कम से कम 45 ईयर तक तो शराब नहीं पिएंगे और टीका और दहेज नहीं लेंगे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब एक शादी हुई, जो सगाई संबंध होते थे सार्वजनिक रूप से सगाई संबंध होते थे, रावड़ी पौर पर बैठ करके सगाई संबंध होते थे, आजकल बंद कमरे में सगाई होती है। पहले तो लड़का लड़की का मुंह ही शादी के बाद देखता था, आज तो फोन पर बात भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है लगभग। उसके बावजूद भी शादी होने और अब आप दूसरी अच्छी लड़की को खोज रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके पास भी ये कौन सा पैमाना है, अच्छी और बुरी नापने का कौन सा थर्मामीटर ऐसा है जिससे आप ये नापते हैं कि ये अच्छी लड़की है और ये बुरी लड़की है। जरा उस थर्मामीटर को अपने जो सगाई संबंध होते थे सार्वजनिक रूप से सगाई संबंध होते थे, रावड़ी पौर पर बैठ करके सगाई संबंध होते थे, आजकल बंद कमरे में सगाई होती है। पहले तो लड़का लड़की का मुंह ही शादी के बाद देखता था, आज तो फोन पर बात भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है लगभग। उसके बावजूद भी शादी होने विपरीत परिस्थितियों में मौन स्वीकृति दी पुनर्विवाह की, लेकिन आज धनाढ्य और समृद्ध परिवार तलाक की स्थिति पे खरी बात कहनी पड़ेगी। लाखों रुपए का दहेज दिया आपको, जिस माँ बाप ने कलेजे के टुकड़े को आप छोटी सी शुरुआत की थी दीपावली पर कि शादी में दिन में शराब का उपयोग नहीं करेंगे, युवा वर्ग है वो कम से कम 45 ईयर तक तो शराब नहीं पिएंगे और टीका और दहेज नहीं लेंगे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब एक शादी हुई, हमारे जो समृद्ध लोग शिक्षित लोग उन्होंने इस बात की खिल्ली उड़ाई कि क्या हुआ तुम्हारे इस बात का, नहीं मानेंगे, मत मानो, हमारा क्या जाने वाला है। अफसोस इस बात का होता है कि जिस परिवार में माता और बहनों ने अपना सुहाग कि हमारे घर में तो शादी में दारू तो रगड़ो पड़ी ला, नहीं तो मोरो घरों भूंडो लगे। अपने स्वाद को खोने पर तो आपको बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन शराब नहीं रखोगे तो आपको बुरा लगेगा। कहां जा रहे हम, देखिए विचार कीजिए। हम धन्यवाद देना चाहूंगा उस परिवार का जिसने कुछ दिनों के बाद हमारे गांव में दूसरी शादी हुई, तो उस शादी में उस परिवार ने न तो टीका लिया, न दहेज लिया और न ही दिन में शराब का उपयोग किया। हिम्मत दिखाई उन्होंने, कहा मेरे घर से शुरुआत करता हूं, चलो मैं और मेरे परिवार से बाहर निकालना पड़ेगा आपको। आज हम केवल मैं, ये समाज की दुर्दशा होती जा रही है। समाज के जो सामाजिक स्तर हैं वो काफी कमजोर होता जा रहा है। जो सम्मान हमें पहले मिलता था आज वो सम्मान हमें नहीं मिल रहा है समाज में, उसके लिए दोषी हम भी हैं। उसके लिए हमें चिंतन और विचार करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम काफी देर से शुरू हुआ है, बालजी को भी पधारना है, इसलिए मैं अपनी वाणी को अब यहीं पर विराम देता हूं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, खुशी से बीते हर दिन, हर साल आपका मिले सफलता। हौसला बढ़ाने के लिए, समाज के चिंतन के लिए आप लोग यहाँ पर पधारे, सभी अतिथियों और अधिकारियों का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने समाज के लिए इन प्रतिभाओं का मार्गदर्शन करने के लिए आपका कीमती समय निकाल करके यहाँ पर उपस्थित हुए, उसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जय माता दी।